ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसमार अथा अवन पतोले ज्यों बुलाओ सफलता मिलेगी हार के नहीं। तो जित विद्वाना ने फिर दो तरह की मनी, दूसरे नू जितना, दूसरे व्यक्ति नू जितना, दूजी कौम नू जितना, दूजे मुल्क नू जितना, दूजे परिवार नू जितना, दूजे नू जितना। दूसरी धारा है अपने आप नूं जितना, अपने मन नूं जितना। जो दूजे नूं जितना है इसे नूं राजनीति कहते हैं, और जो अपने आप नूं जितना है इसे नूं धर्म नीति कहते हैं। सारी दुनिया नूं अगर इस ढंग नाल वंडना होवे तो कहना पैगा कि दो ही नीतियां चल रही हैं, राजनीति धर्म नीति, और कोई नीति नहीं। राजनीति परिवार विच भी चल सकती है, पिता पुत्र नूं जितना ही चाहे या पुत्र पिता नूं जितना ही चाहे, मैनू जितना है दबा के रखना है। पत्नी पति नूं जितना ही चाहे या पति पत्नी नूं जितना ही चाहे, दूजे व्यक्ति नूं जितना चाहे, व्यक्ति पति है, पत्नी है, पुत्र है, पिता है, भरा है, भैन है, कोई भी हो सकता है। कि जो दूसरे को जितना है यही राजनीति है। राजनीति परिवार विच भी होती है, राजनीति बाजार विच भी होती है। इस दुकानदार को पछाड़ना है, पीछे सुनना है, मैं अगे होना है, राजनीति। राजनीति कौमी तल पर भी होती है। एक कौम दूजे कौम को पछाड़न की कोशिश करे, पीछे सुनन की कोशिश करे, कौमी राजनीति हो जाती है। फिर राजनीति देश पद्धर की भी हो सकती है। किस देश को जितना है, किस देश को हराना है। सिकंदर जैसा पुरुष वो कहता सी सारे संसार को जितना है। एक इंच भी जगह नहीं रहने देनी जो मेरे हाथ में ना हो, जो मेरी मुट्ठी में ना हो। तो राजनीति परिवार विच चलती है, बाजार विच चलती है, कौमी दल से चलती है, देश पद्धर से चलती है। यही कह लो राजनीति राजनीति है, धर्म नीति तो है नहीं। राजनीति बाजार विच भी है, राजनीति मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च भी है, राजनीति परिवार विच भी है, राजनीति धार्मिक दुनिया विच भी है। और जिथे राजनीति उन्हें धार्मिक आखण की लोड़ भी की है। तो खैर मुख्तसर मैं इस करा, दूजे नू जितना राजनीति, अपने आप नू जितना ये धर्म नीति है। कहने दूजे नू जितन नाल दूजा गुलाम हो जाता है, अपने आप नू जितन नाल मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आजादी स्वतंत्रता मुक्ति। धर्म का फल मनिया गया है,
मुक्ति, मोक्ष, आजादी। इसकी आजादी जन्म मरण तो आजाद हो जाना, कीते हुए कर्मा तो आजाद हो जाना, प्राचीन सारे जन्मां दे संस्कारां तो आजाद हो जाना और परमात्मा विच लीन हो जाना, इहनूं कहिंदे ने मुक्ति मोक्ष। बंधन पै रहे नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर। जन्म मरण का बंधन है, औगणा का बंधन है, गलां विच गल विच पिया है और कीते हुए अज तक जो कर्म ने उन्होंने संस्कारां का बंधन पिया है। अंदाजा किस तरह लावांगे कि पाप मिट गए ने, उड़ गए ने? अगर कीते हुए पाप याद ना हो तो भुल गए। पर अक्सर बंदा बाणी पढ़न लगता है, रब नूं याद करन लगता है, याद ते आउंदे ने पिछले संस्कार कीते हुए कर्म, और भुले नहीं, और मिटे नहीं। इसे ही जीवन विच पता चल सकता है कि मेरे पाप भुल गए ने कि नहीं। अगर कीते हुए पाप याद आ रहे ने, मौजूद ने, नहीं भुले। कीते हुए कर्म याद आ रहे ने, नहीं। हजारा बंदियां का यह अनुभव, और वो कहते हैं गुटका लेके बाणी पढ़न लगते हैं तो पता नहीं कितों के माड़े ख्याल आ जाते हैं, या कीते हुए पाप चेते आ जाते हैं, रब ते चेते आउंदे, परमात्मा चेते आउंदे। तो मैं इस तरह, एक है दूसरे नूं जितना, एक है अपने आप नूं जितना। जो दूजे नूं जितना है यह राजनीति है, जो अपने आप नूं जितना है यह धर्म है। दूजे नूं जितण लई चार गुण चाहिए ने, अपने आप नूं जितण लई दो गुण चाहिए ने, ते मैं इन्हां दो गुणां दी व्याख्या तुहाडे सामने करनी। दूजे नूं जो जितना है, राजनीति ने चार गुण मन्ने ने, शाम दान दंड भेद। दूजे की शरणी पै जाओ ते अगले दे कदम रोक लो, जकड़ लो। अगर ऐसा वो नहीं करन देंदा, सावधान है कि कुछ दे के उन्हों खरीद लो। अगर वो बिकण नूं भी तैयार नहीं, तो उसनों सजा दो, मार, टॉर्चर करो, ते ग्रिफ्त काबू विच करन दी कोशिश करो। अगर वो तरह तरह दे तसईए सहार के भी नहीं चुकया, नहीं काबू च आया, तो फिर पाड़ो, एक पार्टी दे चार चार टुकड़े कर दो, एक कौम नूं अठ अठ जो है ऐसियां च वंड दो, इस तरह शक्ति जो है बिखेर दो। राजनीति जदों दी बनी है इन्हां ही चार गुणा दी खड़ी है, शाम दान दंड भेद। धर्म नीति संतोख ते दया दी खड़ी है, दो गुण। धौल धर्म दया का भूत, संतोख थाप रख्या जिन सो। उन्हां चार गुणा करके जो राजनीति देने, परिवार नूं जीती दे, संसार नूं जीती दे, दूजी कौम नूं जीती दे, इन्हां दो गुणा करके अपना मन जीती दे, इस तो बिना नहीं जीत सकता कोई। क्योंकि संतोख है तो सिमरन कर सकेगा, दया है तो सेवा कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता है सेवा करने। कठोर बंदा कि कुछ होर ते हो सकता है, धार्मिक नहीं है। धार्मिक बंदा दूजे दे औगण देख के भी नजरअंदाज करेगा, कठोर बंदा औगण ना देखदा होया भी पंडेगा। इतनी मैच कर लेना, इतना अंतर मनोचिंतक ते ऐसा कहते हैं, अगर कोई चोर पकड़िया गया तो सब तो ज्यादा अगर उसको कोई मारनगे तो चोर ही मारनगे, दयालु संत महापुरुष नहीं मारेगा, उन्होंने तरस आएगा। अगर कोई दुराचारी ऐन दुराचार के मौके पर पकड़िया गया तो जितने दुराचारी हैगे हैं
या सोचते रहने दुराचार भी कर नहीं सकते तो सोचते रहने मौका मिल गया इन मारो कुटो ये सब अगे निकल गए पापी ही पापियां मार देना कभी संत ने नहीं मारिया कभी भगत ने नहीं मारिया जिवें कोई सड़क से चलता चलता बंदा गिर जाए तो उसते तरस आ जाता है इस तरह मन का भी गिरना है कोई पाप का हो जाना है इसका मन गिर गया तो उसते भी तरस खाओ कोई तंग करके गिरे है जख्मी होया है दस बंदे भज जाते खड़ा करने सहारा देने ले। पर कोई मन करके गिर गया है कोई सहारा नहीं देता बल्कि अगर कोई मन करके गिरे है तो फिर कोशिश ऐसी भी कर देने उठ ही ना सके उन गिरे है बस पापी पापी आखी जाओ उसे दुराचारी आखी जाओ चोर आखी जाओ संभलन का मौका ही ना दे उठन का मौका ही ना दे मैं ऐसा देखता कोई तंग करके गिर जाए हजारा आ जाते हैं मदद कर रही खड़ा करिए बेचारे को चोट लग गई है चलने डिग पे है कोई मन करके डिग पे है तो हम कोई अगे आ रहे पता क्यों नहीं अगे आ रहे कई दफा देखी तो मन करके सारे ही डिगे बहुती दुनिया डिगी है डिगे की डिगे सहारा नहीं बल्कि डिगे हुए तो कई दफा कोशिश करता है मैं खड़ा हाँ तो जो दूसरा खड़ा हुआ इन्हें और डिगा हुआ क्यों खड़ा हुआ पापी ही पापियां मार रहे दुष्ट ही दुष्टा मार रहे हैं कभी दयालु ने नहीं मारे कभी दयालु ने इल्जाम तराशी वगैरह नहीं की है मुख्तसर में इस तरह धर्म दो गुणा में खड़ा है संतोख ते दया राजनीति करके दूसरे नु जीती है धर्म दे इना दो गुणा करके अपने आप नु जीती है अपने मन नु जीती है क्या वाकई मन ऐसा है इन्हें भी जितना पैदा है मैं इस तरह दूजे नू जित के कुछ बारों धन संपदा मिल जाती है या राजगद्दी कुछ दिन मिलती है अपने मन नू जित के परमात्मा का सिंघासन मिलता है ईश्वर का सिंघासन मिलता है हमेशा की गद्दी मिलती है हमेशा की सदा मिलती है जितों फिर कोई उठा नहीं सकता क्या वाकई मन इतना प्रबल है बलवान है कि धर्म की सारी साधना मन को जीतने पे खड़ी है मैं इस तरह सारी दुनिया को भी जीतने वाला मनुख अपने मन के हथों हार जाता है बड़िया बड़िया चीजा काबू करने वाला भी मनुख अपने मन को काबू नहीं कर सकता मैं देखना हाथी बंदे के काबू च है घोड़ा बंदे के काबू च है बैल मनुख ने नत्थ पाई हुई है रेलां मोटर गड्डिया बंदे के हथे च ने जिधर चंदा पे चला रहे हैं बंदे का मन उसके हथे च बेकाबू जिधर मोड़ना चाहे नहीं मोड़ना जिथे रोकना चाहे नहीं रोकना बल्कि मन ही जिथे चाहता उ इस तरह होया हूँ घोड़ा जिथे चाहे उथे ही लै जाए असवार की कोई मर्जी नहीं तो फिर असवार से बेकाबू हो गया असवार जिधर घोड़े को लै जाना चाहे जिथे असवार पहुंचना चाहता है घोड़ा नहीं जाता बल्कि घोड़ा अपनी मर्जी नाल चलता है और वह जिथे पहुंचना चाहता है असवार को उठे पहुंचा देता है यकीन जानो मन जिस दल दल जिस खड़े विकारा से पहुंचना चाहता है सानू उठे पहुंचा देता है असी जिथे पहुंचना चाहिए नहीं गुरुद्वारे आया रब्बी रस मिले आनंद मिले खेड़ा मिले खुशी मिले परमात्मा मिले साड़ी ते चाहते है पर यकीन जानो मन लै जाता है दल दल खिंच के सानू ले जाते साड़ी चाहत नहीं पूरी होगी साड़ी इच्छा नहीं पूरी होगी क्योंकि असी उस घोड़े के असवार जिंदियां लगाना ही पड़ेंगे साढ़े हाथ छोड़ के और खिंच के किसी और भी होर पासे ले जाना है साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जोड़ा फरमान है ना खालसा सो जो करे ने तो जंग खालसा सो जो चढ़े तुरंग वो खालसा है जोड़ा रोज जंग करे रोज लड़े इसके भी अर्थ होर दे होर किए गए तो मतलब रोज लड़न लिए कोई ना कोई लगी जो कोई होर दुश्मन नहीं लगता लग तो भरा नाल लड़िए प्यो नाल लड़िए पुत्रा नाल लड़िए पत्नी नाल लड़िए पति नाल लड़िए कोई होर ने लगे
झगड़ा करिए। मतलब कितना नहीं, खालसा वो है जरा रोज अपने मन नाल युद्ध करे, और जो मन नाल लड़के मन नू जित ले बस वही जगत नू जितता है। गुरु नानक देव जी महाराज का प्रमाण, मन जीते जग जीते। भगत कबीर कहते हैं, मम्मा मन से काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिले आना हो। कहना मेरी साधना ते हुण मन ते तलते खड़ी, मैं ते मन नू जितण दी कोशिश किया करदा, आया मन कोल ऐसा की है कि सानू हरा के रख देंगे। असीं चाहने आ बाणी दा रस मिले, मन किसे होर पासे चला जांदा है। साडी कई दफा विचारधारा की भी अमृत छक ली है, मन लै लैंदा है पग दे च, की करना है अमृत शराब की करना है, गुरसिख बन के मनमुख बन। अज तक के जो कुछ मनुख जी रहा है अपनी मन मर्जी है, मन की मर्जी के मुताबिक जी रहा है, साड़ी मर्जी नहीं चल रही, गुरु की मर्जी नहीं चल रही। गुरु सानू कुछ होर कह रहे हैं तो असं सुनने लिए भी आए हैं, मन नहीं मिलता। मन गुरु की सारी गल एक पासे रख लैंदा है। गुरु कहता है केसा विच कंघा फेर, मन कहता नहीं आप कैची फेरनी है, कंघा की फेरना। गुरु कहता है सावल सूर दस्तार सरा, मन कहते दस्तार में चुप के परे मन। दस्तार धार्मिक लिबास है, नाम जपदिया जो मस्तक अध्यात्मक रस कट्ठा होता है, केस उसकी मदद कर दें, दस्तार उसकी मदद कर दें। लंबा चौड़े प्रसंगे से मैं थोड़ा बहुत समा ना लवा, इंज लगता है सिर रूहानी रस तो खाली हो गए, अध्यात्मक प्रबलता अध्यात्मक शक्ति तो खाली हो गए। जब ऐसा है तो ना फिर केसा की लोड़, ना दस्तार की। सारी दुनिया में लोड़ नहीं रहेगी, कारण सिर दे कोई रूहानी रस रहा ही ना, अध्यात्मक बल रहे। करीबन करीबन जित मन की हो रही है, दुनिया में ना रशिया की जित, ना अमेरिका की जित, ना हिंदुस्तान की जित, ना पाकिस्तान की जित, हर पासे मन की जित। इतनी बहस कर रहे कभी इस ढंग में देखोगे मन की जित रहे। कोई मुल्क दूजे मुल्क नू नहीं जित रहा, अगर अंतरीम देखोगे मन मन नू जित रहा। मन विच लोभ है दूजे नू जितना है, मन विच वासना है दूजे नू जितना है, मन विच हंकार है दूजे नू जितना है, राजनीति खड़ी है दूजे नू जितन ते, धर्म नीति खड़ी है अपने आप नू जितन ते। क्या अपना आप इतना प्रबल है कि इन्हू जितना ही बड़ा औखा है? यकीन जानो किसी मुल्क नू जितन नालों ही अपना मन जितना औखा है। दुनिया च बहुत सारे ऐसे मुल्क मिलेंगे जिन्होंने कई मुल्कों जिते और अजे भी काबू किए हैं, दूर क्यों जाते जिस मुल्क के आप बैठे हैं, इन्होंने भी अजे कई सारे मुल्क अपने काबू किए हुए हैं। कुछ तो इन्होंने हाथों निकल गए पर कुछ तो अजे इन्होंने हाथ च, इन्हों की पकड़ है, इन्हों की जकड़ है। इस तरह सारी दुनिया च कोई एक कौम दूजी कौम को अधीन करके रखती है, कोई मुल्क दूजे मुल्क को अधीन करके रखता है, कोई एक परिवार दूजे परिवार को अधीन करके रखता है, कोई मनुख दूजे मनुख को अधीन करके रखता है, पर गजब की गल आप खुद मन का गुलाम होता है, आप आजाद नहीं है। और कहने जिहड़ा मन का गुलाम है वह बार गुलामिया नू जन्म दे देगा, क्योंकि खुद जो गुलाम है, जब खुद गुलाम है कसर कितों कटेगा, कि जिहड़ा बोझ कितों हल्का करे तो दूजे नू गुलाम बना दे। जिहड़ा मनुख अपने मन का जितना ज्यादा गुलाम होगा वह अपने बच्चों को भी उतना ही ज्यादा गुलाम बनाएगा, अपनी पत्नी को भी उतना ही ज्यादा गुलाम बनाएगा। यह भी मैच करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है वो पति को भी पत्नी हो सकता है गुलाम की तरह रखे। जो अपने मन का जितना ज्यादा गुलाम होगा बार गुलामिया को जन्म देगा। सब कुछ मेरी मुट्ठी च हो, सब कुछ मेरे थले, सब कुछ मेरी पकड़ दे च हो, सब कुछ मेरी जकड़ दे।
मजाल है मेरे बोल तो बिना, मेरी चाहत तो बिना कोई सिर चुके, कोई सिर हिला। अंदर दिया गुलामिया की एक पहचान है जो बाहर गुलामिया जन्म देता है, और अंदरों जिहड़ा जितना ज्यादा गुलाम होगा फिर उसकी कोशिश है मेरा परिवार नहीं सारा संसार मेरे अधीन हो, मेरी मुट्ठी च हो, मेरे पकड़ में हो, मेरी जकड़ में हो। इस तरह के गुलाम बंदिया ने बाल गुलामिया जन्म दिता। चलो थोड़ी बहुत तालीम करके दुनिया सभ्य हुई, जरा और पिछे चले जाओ 500 साल पिछे, 1000 साल पिछे, जिस तरह मंडिया पशु बिकते हैं, सब्जी बिकती है, मंडिया बंदे बिकते, बरदा फरोशी होती सी, इसत्रियां बिकदियां सन, पुरुष बिकते सन, बाजार में लिलामी होती, बोलियां लगदियां सन, और अनंत काल तक ऐसा होंदा रहे। अरब देशां विच, हिंदुस्तान विच, अफ्रीका, अफ्रीका विच, यूरोप के देशां विच गुलाम हर थां ते सन, बंदे बेचे जांदे सन, खरीदे जांदे सन जिवें वस्तुआं। और गजब की गल यह है जिवें कई आजड़ी अपनी भेड़ां दे पहचान रखण वास्ते रंग डोलदे ने, इन्हां दे घोड़ियां नूं दागी कर देंदे ने, दाग ला देंदे ने पहचान हो गई साडा। इस तरह बंदियां उत्ते भी दाग लगते सन उन्हां दे मत्थे ते, साडा खरी गया कितने भज के ना चले गए। इस्त्रियां नूं दागी कर दे सन मत्थे ते, दाग ला देना गुलाम है, साडी खरीदी है। इस तरह का भी दौर लग गया जब मनुख बिल्कुल जंगली सी, बिल्कुल खून खार सी, कोशिश सी दूसरों जित के रखा। थोड़ी जहां भयंकर खून खारी से हटी है, लेकिन फिर भी मनुख बिरती करके आई है, तरीके नवे लगना है, ढंग नवे कड़ लेना है, अधीन रखना है दूसरे को, गुलाम रखना है, काबू च रखना है। धार्मिक मनोविज्ञानी ऐसा कहने ये बिरती उन्हां दी होती है जो अपने मन के जितने ज्यादा गुलाम होते हैं उन्होंने बाल की स्वतंत्रता नहीं चंगी लगती, फिर उन्होंने चाहत होती है सब मेरी पकड़ दे चोवे, सब कुछ मेरी जकड़ दे चोवे, और मेरी चाहत तो बिना कुछ पत्ता भी ना मिले। तो है मुख्तसर में इस तरह भगत कबीर का एक शब्द मैं थोड़े सामने रखा, कलगीधर पिता ने कह दिता वो खालसा है जिहड़ा रोज अपने मन नाल जंग करे, और वो खालसा है जिहड़ा मन नूं जित लवे। वो जगत जेतू है जिहड़ा अपने मन नूं जित लवे, गुरु नानक भी कहिंदे ने मन जी ते जग जी, जगत नूं जित के तू जगत नूं नहीं जित सकेगा, मन नूं जित ले ते जगत नूं जित ले। एक बहुत वड्डी सच्चाई है जो भगतां दी पकड़ दे चाही, अभ्यासियां दी पकड़ दे चाही, नाम रसियां दी पकड़ दे चाही। तो उन्हां दी एक पूरी कोशिश होंदी है भी किसे तरीके नाल मन नूं जित। कबीर कहिंदे ने मन नूं जितण दा जद ख्याल पैदा होया मेरे मन विच, ऐ गजब दी गल, मन नूं जितण दा जद ख्याल पैदा होया मेरे मन विच, मेरी सोच विच, तो मैं देखना चाहिया कि मन विच आया की कुछ ऐसा है जो जितया नहीं जाता, आया की। कहिंदा मैं देखण गया सी मन नूं, यकीन जानो दुनिया तन वेखदी है, अपने नैन नक्श वेखदी है, मन कोई गल्ला ही देखदा है, इहो मन आरसी कोई गुरमुख देखदा है। सहज कहिंदे कोई गल्ला ही गुरमुख है जिहड़ा मन दे दर्पण विचों मन नूं वेखदा है। दरअसल मन शीशा है ते मन ही वजूद है, मन नूं सामने रखो ते पता चलता है विचार की ने, सोचने की है, चितवनी की है, किसनों याद पे करने आखिर सब कुछ यही है इस मन के शीशे, ये कोई विरला ही सामने रखता है। एहो मन आरसी कोई गुरमुख देखे। तो कबीर कहने मैं मन देखने चलिया, ये जंग करनी है, इन्हों जितना है, पर पहले मैं देख तो लवा इसकी ताकत कितनी है। कहने वो सियाणा बंदा है जो दूजे की ताकत वेख के लड़ता है,
दूजे की ताकत वेखी ने, दूजे की ताकत सैकड़े गुणा ज्यादा सी, दूजे को तोपां सन, इहदे कोल लाठी सी, लाठी ते ही बड़ा माण के फिर लाठी जरा ढंग नाल चला लैंदा सी, लाठी चलाण दी इहदे कोल कला बड़ी वधिया सी, लाठी चलाण दा हुनर बड़ा ज्यादा सी, ते लोकी उहदे कोल लाठी चलाना सिखदे सन, तो उस्ताद सी लाठी चलाण दा। इतों ख्याल पैदा हो गया हूँ सब नू जितना है, जिहदे कोल तोपां ते बंदूकां ने उहनू भी जितना है। लाठी दा माहिर मनुख जिहदे कोल लाठी है दूजे कोल विरोधी कोल तां जित सकदा है, अगर दूजे कोल तोप है तां नहीं जित सकदा। लाठी लैके सिर्फ अगे चला जाए और इस ख्याल नाल कि मैनू लाठी चलाना आउंदा है, लाठी चलाण विच मैं माहिर हाँ और लाठी चलाण दा मैं उस्ताद हाँ और मैं हजारां नूं लाठी चलाणी सिखाईए, किहड़ा माई दा लाल है जिहड़ा मेरे कोल टिके, पर कौन दसे तू भावें कितने उस्ताद क्यों ना होवे बंदूक दीक बोली तैनूं गिरा के रख दे, तेरी लाठी की मैंने रख दी। सियाणप इस गल दी हुंदी है कि दूजे की समर्था वेख के, ताकत वेख के दूजे को चैलेंज किया जाए। दूजे की ताकत वेखी नहीं, दूजे की ताकत हजारा गुणा वध सी, आ गया उसके नाल गुत्थम गुत्था होने वाला, खुद जलील होगा, अपने नाल दे सारे साथियों को जलील कराएगा। रबी नियम है, ईश्वरी नियम है। कई दफा मैं देख के हैरान होना जो राजनीतिक लोग भी जिहड़ी सियाणप वरत लैंदे ने, ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਬੀਰ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਆਇਆ ਮਨ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। बहुत वड्डी सच्चाई है, हकीकत है। दूजे की शक्ति नापे बिना दूजे नाल गुत्थम गुत्था होना सिवाय जलील होण तो होर कुछ भी नहीं आता, सिवाय जिल्लत उठाण तो होर कुछ भी नहीं आता। खैर मुख्तसर मैं इस करा, कबीर कहिंदे ने जब मैं देखिया ना मन सारी छाण बीन कीती, तो कबीर कहिंदे मन के सामने फिर मैं कमजोर, मेरा जप तप कमजोर, मेरे गुण कमजोर। मन बड़ा शक्तिशाली, बड़ा सोहना शब्द है उन्हां दा, क्यों ली जे गट बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। ये बांका किला मैं किवें जिता जिहदे च मन रहिंदा, दोवर कोट जिहदा कोट डबल है, फसील डबल है। पुराने किले कुछ इस ढंग भी बने होंगे सन, डबल चार है दीवारी, दो पासे दो दीवारा चारों पासे, एक दीवार टूट भी जाए बाहर भी अंदर की जी दीवार है वह मदद करे। जमीनी लड़ाई होंगी सी, जमीन के उत्ते सारे बचाव के साधन किए जाते सन। राजस्थान में मैं जिन्ने किले देखे अद्धे तो ज्यादा भी जी दीवार है वो दोरी डबल है, एक अंदरवार है एक बाहर है। भरतपुर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, इस तरह के बड़े बड़े जो किले प्राचीन बने हैं दुनिया देखना होती है, वो दो दो दीवार है, डबल दीवार है। भगत कबीर भी कह रहे हैं जो मन है ये जिथे रहता है जिस किले रहा है उसकी दीवार भी दोरी है, दोवर कोट। ये दोवर कोट के ला चार पासे की दीवारी नु कोट कहने किला कोट फसी। दुबदा का कोट है दुबदा, दो पासे की नाम। मनुख के अंदर कभी एक पासे की गल नहीं है, दुबदा की गल है। अमृत छक ले नहीं छकना, दुबदा
गुरुद्वारे जाइए नहीं जाना दुबदा, अमृत वेली उठिए नहीं उठना दुबदा, बाणी पढ़ लीए नहीं पढ़नी दुबदा, नाम जपिए चलो छड़ो की जपना हर वक्त दुबदा। यकसोई नहीं कोई भी तुसी करके देख लो अंदर दुबदा हो गए। कीर्तन सुनना मन बढ़ाना ते की सुनना एकदम इनकार, हर वक्त दुबदा धर्म के तल से हर वक्त मनुख के मन में दुबदा आती है। तो कबीर कहते ये दुबदा दो पासे की धारणा हो तो बंदा किधरे पहुंचता नहीं होता, एक कदम अगे एक कदम पिछे। तो कोई बंदा सारा दिन चलता रहे थक जाए टुट जाए तो फिर सोचे मैं हम कितने पहुंचे हाँ कितने पहुंचेगा, किधरे भी नहीं उठे रहो दुबदा। चाली चाली पंजाह पंजाह साल तो जो गुरुद्वारे आ रहे हैं तो बुढ़े हो गए, यकीन जानो चाली साल पहले जिते खड़े सन अज भी उठे एक इंच भी अगे नहीं गए। कारण एक कदम अगे एक कदम पिछे, एक कदम अगे एक कदम पिछे, हमेशा ही दुबदा बनी गई। तो कितने पहुंचना सी किधरे भी उठे जो उसे वो दुबदा अगे नहीं जान रहे। ये दुबदा ये दोवर कोट है डबल कोट, दोवर कोट अर तेवर खारी तीन गुणा की खाई है, रजो तमो सतो लंबा चौड़ा है पसारा है कि गुण दी जाती है। तमो गुण हनेरे का गुण, हर वक्त आलस निंद्रा कंदरा विच रहना, कर्म कुछ भी ना करना ते मन भाओ ते जद उसकी पूर्ति ना हो ते क्रोध विच भर जाना तमो गुण। रजोगुणी बहुत कर्म करने बहुत कर्म करने और उन्हें बीजे हुए बीजा दिखो जिसनों भी फल ना लगना औखे हो जाना, पर मेहनत बड़ी करनी उद्यम बड़ा करना। सदोगुणी कर्म बहुत करने फल परमात्मा दे रख लेना तेरी मर्जी, फल लगन भावे ना लगन तेरी मर्जी, कर्म असी करने कर्म करत हो वह नह कर्म तिस बैसनों का निर्मल धर्म। कर्म कर छड़े निष्कर्म हो गया भाव, फल की इच्छा एक पासे रख दी परमात्मा ने छोड़ देता तेरी मर्जी, क्योंकि सारे बोए हुए बीज फलीभूत नहीं। दरख्त में जितने फुल लगते हैं सारे विचों फल नहीं निकलते, कीते हुए कर्म सारे फलीभूत नहीं होते। बहुत सारे उद्यम कीते हो ना फलीभूत हो तो स्वय रोन पिटन तो होर की होगा दुख। सतो गुणी कर्म ते रज के करता है और इस वास्ते करता है शायद किसी कर्म नाल तालमेल या प्रभु की बख्शिश मेल खाता है तो करता है। कर्म तो मुंह मोड़ता नहीं, भाग लग जान ते शुकराना, नहीं लगे ता भी शुकराना, दोवां हालतां च ओह राजी रहता है। सतो गुणी भगत ब्रह्म ज्ञानी इस तो भी उच्चा उठ जाता है, क्योंकि सतो गुणी नूं इतना ख्याल है कि कर्म मैं कर रहा हूं, फल लगन ना लगन शुकराना धन्यवाद है, पर कर्म मैं कर रहा हूं ऐसा एहसास है। ब्रह्म ज्ञानी कहते ने कोई इन्हों तेल अवस्थावान तो उच्चा जीवन है, उस तो जो कुछ है सब कुछ हो रहा है हम पीता नहीं जा रहा हूं, वो ऐसा समझता ही नहीं कि मैं कर रहा कहता हो रहा, जैसे श्वास चल रहे हैं मैं नहीं चला रहा, दिल धड़क रहा है मैं नहीं धड़का रहा, नब्ज चल रही है मैं नहीं चला रहा, इस तरह उसकी अवस्था बन जाती है। नाम चल रहे बंदगी चल रही है शुभ कर्म चल रहे हैं अपने और वो बिल्कुल समर्पित हो जाता है लीन हो जाता है परमात्मा के। चौथी अवस्था ये तीन गुणा की खाई है जिस वासना का पानी भरे हुआ है। पुराने राजे महाराजे जो किला बनाते सन तो किले के बाहर एक खाई खोद लेते सन, लाल किले के बाहर भी चारों पासे खाई है दिल्ली के, पानी भर दी जाती है
ताकि कोई दुश्मन जमीनी हमला करता करता आए एकदम न किले ते असवार होए। पहले खल पानी 35 फुट गहरी खल और 50-60 फुट चौड़ी पहले तो उसको अबूर करे ना कोई ता फिर किले ते हमला करे। फिर खास करके जब जमीनी लड़ाई हो गई तो बहुत मुश्किल इतने पानी में लंघ के जाना। तो पुराने महाराजे महाराजे जो जमीन ते किला बनाते सन खाई लाजमी बनाते सन जो पहाड़ से बनाते सन उन्होंने लोड़ नहीं पैंदी सी खाई बनाने की लोड़ नहीं पैंदी सी ते खाई पहाड़ा ते बन भी नहीं सकती सी ते पहाड़ ते चूंकि ऊंचाई ते आउंदा सी तो उत्थे हिफाजत ज्यादा हो जाती सी पर जिथे पहाड़ में जमीन ते किला बनाना है तो खाई बनानी पैंदी सी। दोवर कोट अर देवर खाई जो वासना दे जल नाल भरी हुई है वो असर में इस तरह 5-25 मोहम्मद मदसद आड़ी बरबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रघु राया। कबीर कहने हे परमात्मा मैं गरीब दा इस मन ते जोर नहीं देना। पंज काम आदत पिछले सिपा सलार ने एक तत् दियां जो पंज प्रकृतियां ने ये पंजी प्रकृतियां उसकी सेना ने माया का बड़ा बिखड़ा मोर्चा है और इस किले विच बैठा है मन मैं गरीब इसनों किस तरह जीता। सिर्फ इतने तक ही नहीं अगला लंबा चौड़ा खुलासा है मुख्तसर मैं अर्ज करता जावा काम के वारी दुख सुख दरबानी पाप पुन दरवाजा क्रोध प्रधान महाबट दुंदर तै मन मावासी राजा। ए मन राजा मद मस्त होके किले दे अंदर उस महल दे च बैठा है जिस महल दियां जड़ियां बारियां ने किवारियां कहन बारियां काम किवारी एक किवाड़ जो वड्डा दरवाजा किवारी जो छोटियां छोटियां बारियां कामना दियां किवारियां ने सारा दिन कामना आंदी रहती है जाती रहती है जैसे बारियां बनाई जाने हवा से आन जान ली एक कामना आ गई चली गई दूसरी आ गई चली गई तीसरी आ गई चली सारा दिन बंदा कामना ही करता रहता है भावे पूरी कोई एक भी ना आती हो जाए कदम एक रखता है कामनावां 10 पैदा होंगे हर वक्त बंदा कामनावां च बैठा होता है सुपनिया की दुनिया कल्पनावां की दुनिया हर वक्त मनुख का चेहरा ही दसदा है कल्पना च बैठा है कामना च बैठा है। और आप सुन के हैरान हो कि हम मनोविज्ञानी सहमत रहे 99% मनुख कामनावां ओ करदा है जिहड़ियां कदी पूरियां हो ही नहीं सकदियां। मेरे नाल पता नहीं उस दिन किहड़ा सिंह सी कहिंदा ज्ञानी जी मैं तो ऐसा चाहना एक ऐसी टॉर्च मेरे हाथ में चलो मैं जिधर चलावा ना सारे जगह का नैन पासम हो जाए साड़ी कौम बहुत औखी हो गई दुखत हो गई इस तरह का कोई हथियार हो मेरे हाथ में चाहे एन चलांदा जावा जिधर अगों आन सब पसम होंगे जान तो हूँ ये कामना इसकी पूरी हो गई कभी पर कर ला पे कौन इस तरह की कामनावान कभी पूरी हो गई है। इतने मैं उदाहरण देता है मनुख पल पल दे इस तरह की कामनावान कर अंदर कामना कर रहे का घर जाए डेरी हो जाए ये कारोबार का भट्ठा बैठ जाए अंदर काम यदि पग लै जाए यदि बेइज्जती हो जाए मैं माला माल हो जावा मैं सारी दुनिया से छा जावा इस तरह आदियां उसकी जो है कामना जिंदगी बड़ी छोटी कामनावां बड़िया महान उम्र नापी जा सकती बंदे की कामना नहीं नापी जा सकती। ये भी मैं अर्ज करा अज के दौर भावें बंदे ने बहुत कुछ नाप लिया पहाड़ों की बुलंदी नाप ली गई है सागर की गहराई भी नाप ली गई है जमीन की नबाई चौड़ाई भी नाप ली गई है पर बदकिस्मती बंदे दिन कल्पनावान नहीं नापिया गई पकड़ दे ही नहीं हो इतनी अथाह कामनावान ने कि वे वे पहाड़ भी इसकी कामना के सामने छोटे पै जाते हैं सागर की गहराई भी छोटी पै जाती है। काम के बारी दुख सुख दरवानी पाप पुन दरवाजा इस किले में दो दरवाजे हैं एक का नाम पाप एक का नाम पुन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੰਤਰੀ, ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਮਜਾਲ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਤਨਾ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਤਨਾ ਦਲਿਦਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਤਨਾ ਆਯਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਗੋਹੇ। ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੇ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਚਾਇਆ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੇ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣੇ, ਸੁੱਖ ਸਨੇ ਔਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਣੇ। ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਤਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂ, ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਐਨ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਸੁੱਖ ਨੇ ਆਲਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਨੇ ਆਯਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਸਵਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਦੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾੜਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸੁੱਖ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਪਛੜਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੋਗ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਆਯਾਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਔਸ਼ਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨੋਂ ਦਿਲ ਪੇ ਲਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਦਰੀਚਾ ਖੁਲਾ, ਹਮ ਵੀ ਗੋਇਆ ਕਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਕੇ ਤਾਰ ਹੈ, ਚੋਟ ਖਾਤੇ ਰਹੇ ਗੁਨਗੁਨਾਤੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿਤਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਚੋਟ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ। ਬਲ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਕੋ ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਨਾਮ ਜਪਾਏ, ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਗਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,
हिंदुस्तान के चुंज कहता है। कहता मैं उस दुख तो भी सदके हाँ जिसने मैनू मजबूर कर दिता कि तू जप परमात्मा का नाम, तो इस दुख को मैं परमात्मा की सौगात मनना रोकी नहीं। वो दुख सौगात बन जाती है जिहड़ा दुख परमात्मा के मार्ग से तुरन से मजबूर कर दे। शायद इस वास्ते साहिबान ने कह दिता है दुख दारू के दारू भी बन जाता है। केतियां दुख भोग सदमार है तेरे दाद तेरी दादार, जो दुख करके संभल गए दुख ते दाद हो गई, जो दुख करके शुभ गुणा के मार्ग से चल गए दुख ते दाद है, जो सुख करके भी नहीं चलिया तो सुख ने भ्रष्ट कर दिता है, सुख ते रोग हो गया, दुख दा रूप सुख रोग होया। बहुत घर विच वड्डी खुशी होवे सारे गुरमुख भुल जांदे। मैं ऐसा देखे खास करके ब्याह शादी का घर होवे हुण किस नूं गुरमुख दी समझ है, कौन चाहता है कि हुण गुरमुख होवे। उस समय कोई भी कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं ऐसा देखे उस खुशी के मौके के उत्ते अगर अखंड पाठ भी घर में रखाया गया तो यकीन जाना भी पखंड होता है कुछ नहीं, क्योंकि ना कोई सुनता है ना किसी की इतने श्रद्धा होती अपनी दुनिया खोए रहने सारे। तो किधर उन्होंने समझाओ भाई महाराज का अखंड पाठ है तो दूजे कमरे तुसी शराब के दौर चलाए उन्होंने शोभा नहीं देना, गुरमत इसकी इजाजत नहीं देती। तो इस तरह के बंद तो मैं यही सुनया है ज्ञानी की खुशी का मौका हम थानू इतने भी गुरमत सूझती है यही कसौटी से अज नहीं गुरमत टिक सकी तो पता ही नहीं टिक सकेगी, यही तो कसौटी से दुख सुख तो कसौटी और की कसौटी होती है। कोई दुख दे पछड़ जाता है कोई सुख दे पछड़ जाता है, पर जितने सुख दे पछड़ गए हैं इतने दुख दे नहीं पछड़ते। यह भी मैं कर रहा दुख किधरे किधरे समझण का मौका भी दे देता है सुख नहीं देता। सुख दे मनुख बहुत दलिद्री अयाश हंकारी हो जाता है, तो बहुते सुख कई दफा मनुख को व्यर्थ के कामों में इतना मसरूफ कर देते हैं कि सार्थक कामों लिए उसके कोल वक्त भी नहीं होता, मिलते नहीं कई। कहने गैनी जी तुम कहते गुरुद्वारे आओ तो साढ़े को रोटी खाने का भी वेल करो गुरुद्वारे कितों आई। उन्होंने मैं कहना हूं सारी भज दौड़ से रोटी वास्ते तो रोटी खाने का वक्त कोई नहीं थोड़े, फिर इन्होंने यही कहने तुम कहें बाणी पढ़ो साढ़े को आराम करने का भी वेल कोई नहीं है, हद हो गई सारी भज दौड़ आराम वास्ते आराम का समा हो तो कहते नहीं भज का दौड़ता है। कुछ मूर्ख इंज भी कह देंगे ने गैनी जी साढ़े को मरण की भी वेल कोई नहीं, नाम जपण की गल करते हो उन्होंने एक कोई जवाब आता है तू चिंता ना कर मौत अपनी वेल कढ लेगी तू देखता ही रह जाएगा, उन्हें अपना समा कढ लेना उन्हें अपना वक्त कढ लेना, और तेरे को सिवाय पश्चाताप दे और कुछ भी नहीं रहेगा। न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी चराग बुझने लगा तो रोशनी देखी, जिंदगी का दीवा जब बुझन लगेगा उदों तेनों पता चलेगा चानने का। कहते हैं सिकंदर जब हिंदुस्तान नूं जित के अरबां खरबां की दौलत जहाजा के समुद्री जहाजा विच लद के जा रहा सी यूनान, कुवैत के नेड़े छोटे जिहे जज़ीरे विच एक बीमार हो गया, अपने उस शिप दे विच ही सी वड्डे समुद्री जहाज दे जिहड़े नाल तबीब चल रहे सन ना शाही, उन्होंने जवाब दे दिता शहनशाह साडे वस्ती गल नहीं, ये दवाई तो थोड़ा रोग हुण अगे जा चुका है थोड़े दम टुटन लग पए हुण असीं कुछ नहीं कर सकते। वैदा ने सारी निराशा जाहिर कर दिती सिकंदर दे कोल। सिकंदर कहिंदा मैं मां नाल वैदा कीता सी आवांगा तैनूं मिलांगा, चार दिन की मैं जिंदगी होर मिलनी चाहिए इतो रस्ता चार
वास्ते पकड़िया सिद्ध पुरुष की सीधियां करमां दा बुलांदा सी। तो उन्हें सोचे चलो ये भी अजूबा इन पकड़ के लै जाए, यदियाँ स्थितियां देखा गुणा सामने लिया गया। तू अपने कोई सिद्धि के बल ना तांत्रिक बल ना सारी निराशा जाहिर कर दी। सिकंदर देखो, सिकंदर कहता है मैं मां नाल रहता सीता सी आवांगा तैनू मिलांगा, ते चार दिन की मैं जिंदगी होर मिलनी चाहिए तो रस्ता चार दिन का है। तुसीं यतन करो, उद्यम करो। तबीबा ने कहा साडे वास्ते गल नहीं। सिकंदर कहने लगा अद्धा राजपाट ते अद्धा धन जो कुछ मैं ले जा रहा फल जाता, चार दिन की जिंदगी दे दो, चार दिन। तो वैद कहने लगे साढ़े हाथ च नहीं गई दवाई, तो अगे गल चली गई है, सियाणप तो अगे चली गई है। कहीं नहीं हिंदुस्तान तो एक सन्यासी ने भी जबरदस्ती पकड़ के नाल ले जा रहे सन, बड़ी लंबी चौड़ी जी कथा लिखी हुई सामने तू अपने कोई सिद्धि के बल नाल तांत्रिक बल नाल मैनूं ठीक कर दे, राजी कर दे, मैं तेरे सारा ही राज पा दे, सारा ही सब कुछ तो है। उस साधु ने उस सन्यासी ने कहा सिकंदर सिर्फ चार दिन की जिंदगी वास्ते तू वो सारा राजपाट मैं देना चाहना है जेदे लई पता नहीं 20-25 साल तू बर्बाद की है, कितनियां नूं कतल किया, कितनियां नूं मार दिया, कितने दुख सहा रहे, थोड़ी जी जिंदगी वास्ते सब कुछ देना पैना। अब जिंदगी की कदर पड़ी है तेन, कि जिंदगी कितनी महान होती है। उस समय तेन रोशनी का पता चलिया कि दीवा बुझन लग न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, चराग बुझने लगा तो रोशनी देखी, तो खैर नंबर ये ना दुख से सुख दो दरवाजे हैं, पाप से पुण दो दरवाजे ने, दुख से सुख दो में संतरी ने। भगत कबीर सिंह कह रहे हैं काम दिवारी दुख सुख दरवानी पाप पुण दरवाजा। पुण जिस कर्म को दूसरे को कुछ मिल गया है, देता गया है पुण, तो पुण का फल सिर्फ दुनियावी सुख है, आत्मज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तेरी मैं सरम मेरे किसी कर्म को जगत में कोई सुख मिल गया है, कोई पदार्थ मिल गया, कला मिल गई है, ज्ञान मिल गया, कुछ भी मिल गया, एक पुण है। तो इस पुण के प्रभाव के नाल दुनियावी सुख मिल रहे हैं और कुछ नहीं। दान परा पूर्वेण भुजंते मही पते, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कल का बीजे हुआ दान अज राजे महाराजे भोग रहे हैं। उस तो मुराद जो कल जो पिछले महीने कीता, जो पिछले साल कीता, जो पिछले 10 साल कीता, जो पिछले जन्म विच कीता, क्योंकि इसे बीज दे उत्ते गल है। कुछ बीज उगरदे ने फल तक पहुंचदे ने, साल विच कुछ पहुंचदे ने, 6 महीने कुछ पहुंचदे ने, 5-10 साल जिंदगी रोज रोज छोटी होंदी जा रही है, ते बीज असीं रोज बोंदे जाइए। कुछ ऐसा भी होंदा जिंदगी का अंत हो जाता, बीज बोए बाकी रह जाना तो अगला जन्म और फिर चलता है, इस तरह चलता है। दानम परा पूर्वेण भुजंते मही पते, पूर्वले कीते हुए पुण अज के बड़े बड़े जनाब या राजे महाराजे भोग रहे हैं। ज्ञान नहीं है ना, कोई आत्म आनंद नहीं है, समाधि नहीं है, बस सिर्फ दुनियावी सुख ने। कोई पूर्वला कीता दान पर कुछ नहीं, सिर्फ दान है, ज्ञान नहीं।
तो इन्हां कोल आत्मक शांति ने और जो आत्मक शांति वास्ते कोई बीज बोया ही नहीं। पुन इस वास्ते पुन नूं भी मन का दरवाजा कह दिता है ते पाप नूं भी दरवाजा कह दिता है ते दोहां ते बैठे ने दरबान जेड़े सुख ते दुख पुन दे दरवाजे ते बैठा सुख मजा लिया आसा दीवार दे इक पंक्ति अंदर जान दे मजा दे सुखमनी साहब दी इक अष्टपदी अंदर जान दे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਮਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਉਹ ਵੀ ਲੱਟ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਦਰਬਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ ਨਿਜ ਗੁਣ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਨ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਪਾਪ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੇ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੇ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਛੜਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਦਾਨੀ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਪਾਪ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਹੰਕਾਰ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਾਪ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਪਾਪ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਲੋਭ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਵੀ ਲੋਭ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ ਨਿਜ ਗੁਣ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋ ਸੰਤਰੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਦਮਸਤ ਰਾਜਾ ਬੈਠ ਕਾਮ ਕਿਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਰਬਾਨੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂਬਡ ਦੁੰਦਰ ਤੈ ਮਨਮਾ ਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਮਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੈੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਪੈੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਜੰਗ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਰਵੜੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਬਾਬਰ ਸਾਮਰਤ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਵੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਮੋਹ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਜੰਗ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਹ ਰਾਜਾ ਹਾਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਰ ਹੋਈ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੋਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਸਿਭਾ ਸਲਾਰ ਇਹ ਸਿਭਾ ਸਲਾਰ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਇਤਨੇ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਿਭਾ ਸਲਾਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਮ ਮਾਰਿਆ ਗਏ ਲੋਭ ਮਾਰਿਆ ਗਏ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਈਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ
राजन दुखी होते की लोड़ मैं ते अजे मैं ते मौजूद हाँ ते मोह थे कहते तू की करेगा जिथे काम पछड़ गया जिथे विवेक ने हंकार नु लिटाड़ के रख दिता जिथे लोभ दी दाल नहीं गली तो तू की करेगा। तो पंडित गुलाब सिंह जी ने उत्ते लिखा क्रोधो वाच क्रोध दे बोल क्रोध बोलिया मोह दे कहने अंध करो दृगवंतन को श्रुतवंतन को बदरो कर डारो धृतवंतन को सो अधीर करो अर चादर की मत दूर निवारो हित कारण नाय पिठे कब ही जिनके उर भीतर मैं पग धारो हित आत्म को न सुनो कब ही पढ़ो जितनो खिन मान दिसारो। कहता है राजन पहले तो मेरा एक काम होएगा अंध करो दृगवंतन को अखा वाले को अंधा ही कर रहे हैं कख नहीं दिखाई दे रहा जब क्रोध चढ़ रहा है तो पता चल रहा है की कर रहे हैं। क्रोध वक्ति पागलपन है और पागलपन अस्थाई क्रोध टिक गया क्रोध पक्का पागल पागल की पता नहीं की बोल रहे हैं की कर रहे हैं किड़े पास जा रहे हैं। क्रोध कहता है अंधा कर रहे हैं जिधे पढ़े लिखे ज्ञानी ज्ञानी ने अंधा कर देंगे अंध करो दृगवंतन को श्रुतवंतन को बदरो कर डारो जिधे विचारक ने दार्शनिक ने पागल कर दिया कख नहीं समझ रहे जिन्होंने बड़े अपने ज्ञान का मान हो गया दृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो जिधे धीरजवान साबर बंदे ने सबर संतोख रखने वाले ने अधीर कर दें उन्होंने सबर तोड़ के रखते हैं उन्होंने अंदर धीरज रह गई वो भी जल्दबाज हो जाएंगे एकदम काली सब कुछ कर देंगे काली दे जल्दबाजी जिड़ा करना है ना यकीन जानो गलती होती है सही नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे एक बोल बड़ा कीमती लिखा है बस समाप्ति कर रहे हैं औरंगजेब न उपदेश कर रहे हैं साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप कहते हैं कि खुश गुप्त फिर दोषी खुश कर जमा के सूदी बवद कार आहिर मना ऐ औरंगजेब कितना खूबसूरत फिरदौसी ने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना का काम तू ते शैताना की तरह सोचे सोचिए ही नहीं छेती छेती सारा अनर्थ की है तू ब्राह्मण को कतल करने लगे सोचिया ही नहीं तू प्यो न जेल में पाने लगे सोचिया ही नहीं तू सरमद को कतल करने लगे सोचिया ही नहीं और तुम गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने शहीद कर लगा जरा भी शर्मा तो कम नहीं है धीरज तो कम नहीं है तू शैतान है इंसान नहीं है क्योंकि जल्दबाजी सब कुछ को बीता है शर्मे च नहीं जब क्रोध चढ़े हुए शर्मा नहीं रहता धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निभाओ कितना ही चलाक होवे कितना ही चातर होवे कितना ही सियाणा होवे कि क्रोध कहिंदा उहदी मत ही कट के रखदे आ सारियां चतराईयां उहदी कट के रखदे आ ऐन मूर्ख बणा के रखदे आ। अगां इह क्रोध कहिंदा हित कारज ना पिखे कबहूं जिनके उर भीतर मैं पग धारूं जिहदे अंदर हिरदे च मैं पैर रख लैना वो अपना बिगड़ता हुआ काम भी नहीं देख सकता तो मेरा काम बिगड़ क्रोध करके मेरा ही नाश हो गया आत्म को ना सुने कब हूं पढ़ो जित नौखे नमान बिसारो अपनी समीर की आवाज भी नहीं सुन सकते जिंदगी भर जो पढ़े है एक छिंदे च बुला के रख लिया सार किताबली दे च भी बड़ा कीमती लिखे है आप भी सामने रखना वो कहिंदा उपजे धर्म वाक सत कर अथ जबान ते सच ले आइए ते धर्म का बूटा पैदा होता है कितों धर्म पैदा होता है उपजे धर्म वाक सत कर अथ मैं ते देखे है झूठ बोलने चलो कुछ लाभ है चलो मनुख बोलता है बिना लाभ तो भी कई बोली जाने सारा सारा दिन बोली जाने परिवार दे झूठ बाजार दे झूठ संसार दे झूठ जिस तो कोई लाभ भी नहीं वो झूठ मिथ्या बोल मन मैला
उपजे धर्म वाक सत कर बाबा फिर भी कहने बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुरु दसे जवाब मुरीदा जोलिए उपजे धर्म वाक सत कर हथ दया दान कर धर्म वधे ने वो जो धर्म का बूटा सच दे जाप नाल है पैदा होता है दया करना सेवा परोपकारी बिरदियां नाल वो वधदा है जल है सिंचन स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म का बूटा बड़ा कोमल है वो खिमा की थंबी नाल टिके रहना है जैसे कोमल फुलना बूटिया सोटी का सहारा रहे तूफानी हवा में टुट ना जा तो स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध करिए वो जो बीज बोया सी धर्म का बूटा जरा बनते असैन जल के खाक हो गए छिन मात्र क्रोध पता नहीं कितने महीनों का जप तप गया कितने महीनों की बंदगी एक छिन मात्र क्रोध करना परबल धर्म जो शिखर तक नहीं पहुंचया परमात्मा की प्राप्ति तक तो नहीं पहुंचया पर जीवन भर धर्म चलता रहा तो बंदे का अंत हो गया पर धर्म अपने शिखर पर ना पहुंचया हो तो वह धर्म जाया नहीं जाता उसका फल की होंगे उसका फल सार किताब की जिक्र ने अगे लिखे उन्होंने तो समझ रखा वो कहता शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत है पंडित देही अरोग उन धर्म जान पर सत कहिंदा प्रथम ते किसे चंगे घराने उसका पूर्वले कर्मां दे प्रताप करके जन्म हो गया जिथे उसनू दुनियावी सहूलतां भी मिलन ते परमार्थ दीआं सहूलतां अध्यात्मक सहूलतां इस तरह उन्हूं घर मिलेगा ऐसे मां बाप ऐसा संजोग ऐसा वातावरण शुभ कुल जन्म स्वरूप तन तन करके भी खूबसूरत होगा तन भी प्रभावित करेगा उसका तन का स्वपन भी कई काम अपने आप कराएगा शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत भूमि पत होगा बहुत सारी जमीन का मालिक होगा तरह तरह के पदार्थ उसके काबू च होंगे आपत विपता तो रहित होगा उसके कोई विपता भी नहीं होगी कोई विपता नहीं आएगी पूर्वले कौन प्रताप करके वो विपता तो भी बचे आएगा पंडित दे ही अरोग उन विद्वान होगा पंडित होगा धर्म ग्रंथा का ज्ञाता होगा जीवन और प्रभु की सार होगी सूझ होगी समझ होगी पंडित देही अरोग गुण ते देही करके अरोग हो कंचन वर्गी देही हो पंडित देही अरोग गुण धर्म जान फल सत कहता है सत फल पूर्वले धर्म ने अगर इस तरह किसी को है तो किसने कुछ पीछे जब तक किया है गलवती जब तक करके परमात्मा नहीं मिलया पर जब तक करके अच्छे मां बाप मिल गए ने जब तक करके अच्छा घराना मिल गया जब तक करके तन का स्वपन मिल गए पिछले पुन प्रताप करके धन संपदा मिल गई है भाग उद्दम लगदम में आया और पिछले पुन प्रताप करके ये विद्वान देही करके अरोग है कोई रोग नहीं शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत पंडित देही अरोग उन धर्म जान फल सत तो जिस धर्म का इतना फल है छिन मात्र क्रोध की धर्म नाश हो जाए क्रोध इतना फल है क्रोध इतना भयंकर है तो एक क्रोध मन रूपी राजे का वजीर आजम है काम के वारी दुख सुख दरवानी पाप उन्न दरवाजा क्रोध प्रधान महाबट दुंदर तय मनमावासी राजा इस राजे को कोई शस्त्र नहीं खुद पहन रखे ने इस राजे ने आप कहने कबुद्ध कमा तो मम स्वाद सना तो मम ताको कबुद्ध कमान चढ़ाई कृष्णा पीर रहे घट भीतर एहो घट दियो न जाई संजो पे नहीं होंगे इस मन रूपी राजे ने कह दी तरह तरह के स्वाद आ दी
अखां दा रस, कन्नां दा रस, रसना दा रस, नासका दा रस, खलड़ी दा रस, हर वक्त किसे रसे च रहना, कोई ना कोई रस चाहिए। जी अखां दे रस तो वेले होए तो हुण जबान दा रस चाहिए, तो हुण जबान दे रस ते वेले होए ते खलड़ी दा रस चाहिए, ते खलड़ी दे रस तो वेले होए ते हुण कन्नां दा रस चाहिए, ते इत्थों जो वेले होए नासका दा रस चाहिए, इत्थों वेले होए ते फिर अखां दा रस चाहिए। बस किसे रसे च रहना है, संजोग और ए रस मजा ले रबी रस नु ले जान दे स्वाद सना टोप ममता को सिर दे ते टोप है लोहे दा संजो जिहड़े पहिंदे सन ते पुराने जिहड़े सैनिक मैदान दे जंग च लड़दे सन ते लोहे दा टोप सिर ते रख लैंदे सन ताकि सिर शस्त्र तो बचे। सिख लोग दस्तार दे ते चक्कर सजांदे सन लोहे दा चक्कर, ओ महज इस वास्ते जिहड़ा वार करे तलवार नाल ओ चक्कर दे लगे सिर ते ना, होर चक्कर लाण दा कोई मतलब नहीं सी। दस्तार दे उपर जो चक्कर लोहे दा जो खिंच के तलवार मारे ओ चक्कर दे लगे, ये चक्कर बचा देंदा सी, दस्तार रक्षा कर देंदी सी। स्वाद सना टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई, भैड़े विचारां दी कुबुद्धि दी कमान है इसदे कोल जिहदे तृष्णा दे तीर, कबुद्ध कमान चढ़ाई तृष्णा तीर रहे रखदी तर इहो गढ़ लियो ना जावे। ते कबीर कहिंदे इह किला मैथों नहीं जितिया जांदा, कहिंदा मैं मन नूं वेख के आया, बड़ा लंबा पसारा है उहदा। तो कबीर कहिंदे जद मैं वापस आया सारा मन का निरीक्षण करके देख के, तो मैं भी सोचिया मैं भी कोई सेना बना, मैं भी कोई समर्था जुटावा, मन नाल जंग करनी कोई अल्लाह जी का गल हो, कभी मन नाल झगड़न जाओ तो जो पता चलेगा ये कोई दाऊद पछाड़ के रख दे कुछ भी। जिवें कोई महान वड्डा पहलवान ते 5 साल के बच्चे को चुक के परे सुट दे देना, इस तरह यकीन जाना मन साढ़े कीते हुए कर्मां नूं चुक के परे सुट देता है। महीना दो महीना जो कुछ कर रहे हैं एक छिन के चुक के परे सुट देता है, कीती किताई पाने पर। तो कबीर कहने फिर मैं नहीं कुछ जुटा लिया, जंग जो करनी तो हम मैं उसकी ताकत देख ली, यदि ताकत है तो मैं गल इतों आरंभ की सी, दूजे की ताकत देखे बिना समझे बिना वो गुत्थम गुत्थम होना यह मूर्खता है, चाहे बाहर चाहे अंदर, चाहे मन नाल लड़ना चाहे दूजे नाल चढ़ना, या बाहर लड़ना चाहे अंदर लड़ना, दूजे की ताकत देख लेनी चाहिए। दूजे की ताकत से कोलों ज्यादा ताकत हो लड़न का तरीका करना चाहिए, कम से कम बराबरी की तो जरूर हो, दूजे की ताकत नालों घट ताकत है तो फिर मुश्किल है, फिर तो हार ही आ, फिर तो जित का कोई मतलब नहीं होता। तो फिर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कबीर कहते ने मैं मन की ताकत नापया देखे बड़ा समर्थ है, तो कहने फिर मैं भी समर्था जुटानी शुरू की थी। ओ केड़ी तुम मुख्तसर क्योंकि काफी समा हो गया, प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट सिधाया। कहिंदा फिर मैं ज्ञान दी टोप लेंदी, ते ज्ञान तुर्क तरीक जानिए, हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारने कछुक पढ़िए ज्ञान। कबीर कहने कुछ ना कुछ तो समझना चाहिए, सत्संग दे चों धर्म ग्रंथां दे चों अपनाना चाहिए ज्ञान। मैं ज्ञान दी तौब नूं अगे कीता, सुरत दी तौब नूं अगे कीता, विचार दी तौब नूं अगे कीता, पिछे पाया मैं ज्ञान दा गोला, ते गोला बिना पलीते ते नहीं चलता। शायद पुरानियां तौबां फड़े चों किसी ने देखिया होण, पलीता हाथ च आता से जरा तोपची आता से ना तोप चलाने का, वो ही पलीता लादा से ते फिर तोप चलती सी नहीं चलती सी। भावें मनुख कितना विचारक हो गए, ओदे कोल कितने ग्रंथां का ज्ञान हो गए, पलीते तो बिना यह ज्ञान कम नहीं करेगा, ये अपनी सोचनी
विचार कम नहीं करेगी, यह धर्म ग्रंथां का ज्ञान भी कम नहीं करेगा, जे पलीता नहीं यह गोला नहीं चलेगा। तो पलीता की है प्रेम, पलीता प्रेम है तो ज्ञान कम करेगा नहीं चलेगा, प्रेम है तो अपनी सोचनी कम करेगी वरना नहीं। जो थोड़े बहुत अभ्यासी होंगे उन्होंने पकड़ च गल जरूर आएगी। प्रेम है तो दान कम करेगा नहीं, प्रेम है ज्ञान कम करेगा वरना नहीं, प्रेम है अपनी सोचनी कम करेगी वरना नहीं, प्रेम है तो रोज गुरुद्वारे आया भी कम करेगा नहीं ते नहीं, प्रेम है तो की सेवा फली भूत होगी वरना नहीं। मूल से पलीत है, पलीत तो बिना तो कहने चलेगी। प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगल सहदेव पर